तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां से देखने वाले हैं वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं का आपका जीव विज्ञान विषय के पेपर का सेट सी। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक देख कर जरूर जाएँ, तभी जाके आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर और इसका सोल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं का आपका सेट सी किस प्रकार का आएगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यहां से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक जरूर देख लें, तभी जाके आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का पूरा होने वाला है और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे तैयार कर लेना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड प्रश्न आपके पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जिस प्रकार के कि मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड प्रश्न इसी प्रकार के आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, टोटल आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल आपका ये 70 नंबर का पेपर होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को कि किस प्रकार से आप सभी को अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन नोट कर लेना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस जगह पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं, सेट सी का पूरा आज मैं यहां से आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे तैयार कर लेना होगा। यहां से आप लोग इसको पूरा का पूरा ए टू जेड देख सकते हो, टोटल आपसे 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल प्यारे विद्यार्थियों आपका 70 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को जो कि आपका जीव विज्ञान विषय का है और देखते हैं इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पराग कण का अध्ययन कहलाता है। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, पेलियोनोजी इसको कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा जैव इंडेक्स, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपूर्ण प्रभाविता में एफ टू पीढ़ी का संलयन अनुपात होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीन जो पूछा गया है, इसका उत्तर आपका कौन सा आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका उत्तर आपका बी नंबर का आ जाएगा, 1:2:1। उसके बाद में चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, किन कोशिकाओं को अमर कोशिकाएं कहा जाता है। तो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा, जर्म कोशिकाओं को अमर कोशिकाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला ऊतक कारक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पाँच नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा, ये डी नंबर का, एल्कोहल। और उसके बाद में सिक्स नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, देखिएगा प्लाज्मिड का नाम है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर छठा जो लिखा गया है, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, तो देखिएगा प्लाज्मिड का नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा अतसेगर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हुए, दसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, सातवें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा, मरुदमित पौधे में पाया जाता है, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर टू में आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो पहला रिक्त स्थान देखते हैं क्या लिखा गया है, वृषण में कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन निर्मित होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका आपका उत्तर आ जाएगा, वृषण में कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन निर्मित होता है। कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो ये लेडिग कोशिकाओं के द्वारा होता है, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, लेडिग कोशिकाओं के द्वारा हार्मोन निर्मित होता है। तो कोशिकाएं यहाँ से आपको लिख लेंगे पूरा का पूरा इस प्रकार से। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य एंजाइम करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा, लाइगेज एंजाइम। देखिएगा डीएनए खंडों को जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, लाइगेज एंजाइम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग लिख लें, लाइगेज एंजाइम इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा जो पूछा गया, तीसरा जो पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा, ओकोजीन। कौन सा होगा इसका उत्तर, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, ओकोजीन इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, देखिएगा, एथिल एल्कोहल के उत्पादन के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे, तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है, एथिल एल्कोहल के ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। कौन से ईस्ट का प्रयोग होता है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस ईस्ट का नाम है, यहाँ से मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, सेके, इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे पूरा, देखिएगा मैं लिख देता हूँ यहाँ से ताकि आप लोग इसको पहचान सकें, सेके। और इसके आगे आपको लिखना है, सेकेरोमाई,
सेके रो माई और सीस, सेकेरोमाइसिस और आगे आपको लिखना है सेकेरोमाइसिस सिरवेसी, सिरवेसी ईस्ट, ये इसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर के लिए उत्तरदायी हमने देख लिया था, ये भी देख लिया था। पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, पीसीआर को सर्वप्रथम ने विकसित किया, पीसीआर को सबसे पहले किसने विकसित किया था, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा केरी मुलिस। किसने विकसित किया था, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे केरी और मुलिस, इसने विकसित इसको किया था। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सुनहरे चावल में विटामिन पाया जाता है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर आपका आ जाएगा विटामिन ए पाया जाता है। श्वसन मूल पौधों में पाई जाती है, ये जो सातवें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा राइजोफेरा, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे इसको किस में पाया जाता है राइजो और फोरा, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे इसमें ये पाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है जिसमें क्या पूछा गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को पूरा कर लेंगे। किस प्रकार से आप सभी को एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूरे कर लेने हैं यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ से हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, बीजांड का वे स्थान जहाँ बीजांड व्रत से जुड़ा होता है क्या कहलाता है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसको क्या कहते हैं, इसका उत्तर आपका आ जाएगा हाइलम, यहाँ से आप लोग इसको लिख लें हाइलम इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा गया है, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का को भ्रूण पोषण कौन करता है, क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा अपरा, कौन करता है अपरा इसका पोषण करती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम के द्वारा मानव में लिंग का निर्धारण होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख लेना है 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बीओडी का पूरा नाम क्या है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बीओडी का पूरा नाम क्या है, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और उसके बाद में ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन और नीचे आपको लिख लेना है डिमांड, ये इसका पूरा नाम होगा। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा गया है, पहले क्लोन जंतु का नाम लिखिए, छठे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका पहले क्लोन जंतु का नाम है एक ये भेड़ थी जिसका नाम था डोली, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे क्या नाम था इसका डोली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सहजीविता का एक उदाहरण बताइए, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सहजीविता का एक उदाहरण क्या होगा, तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे लाइकेन सहजीविता का एक उदाहरण है। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, आप लोग इस जगह से जोड़ी को देख लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है केला से, सिफिलिस, क्वेश्चन नंबर 2 इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना एफ से। और इसके बाद में अगला देखते हैं, जिराफ की गर्दन, क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है ई से। और उसके बाद में एड्स, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा किससे एसटीडी से। और उसके बाद में अगला देखते हैं बायोगैस, क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना किससे डी नंबर से। और उसके बाद में बीटी कॉटन, छठे नंबर का क्वेश्चन, तो इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना किससे इससे। और उसके बाद में सातवें नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा मृदा, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है पेडोलॉजी से। इस प्रकार से आप लोग इसका पूरा का पूरा जोड़ी मिलान यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप लोग इसको देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, आप सभी लोग इसको देख लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे। टोटली आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से लिखते चलें। ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 दे रखे हैं, 10, 11, 12, 13 दे रखे हैं, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 दे रखे हैं, आप लोग इनको देख लेंगे। और ये 16, 17, 18 दे रखे हैं, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों टोटल आपके पेपर में 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।